मरकुस 10 अध्याय और वहां 46 वचन, मरकुस 10 अध्याय और वहां 46 वचन हम पढ़ेंगे। बड़ी अच्छी बात लिखी है। जब एक अंधा बर्तमाई सड़क के किनारे बैठा होता है तो वो पुकारता है, आमेन। यहां एक बात लिखी, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तमाई, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। वो पुकार पुकार कर कहने लगा। हम कहते हैं ना, वो बार बार कह रहा है, उसका ये काम कर दो, वो फिर बार बार आया, फिर आ गया है, बार बार आ रहा है। हालेलुया, ये बार बार जो शब्द है ना, जो पुकार पुकार कर कहना, ये प्रार्थना करते करते रहना, ये शब्द बड़ा अहम है। हालेलुया। और आगे लिखा है कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। ये उसकी प्रार्थना का असर था मेरे अजीजों, ये उसकी प्रेर का असर था, जब वो पुकार पुकार कर कहने लगा था। प्रभु वहां से निकला, प्रभु वहां से निकला। आप सोचने वाली बात है कि जब प्रभु वहां से निकला तब उसने पुकारा नहीं था, जब वो आगे चला गया तब उसने पूछा लोगों से कि कौन जा रहा है। लोगों ने बोला, यीशु नासरी जा रहा है। वो देख नहीं सकता था, लेकिन आवाज से, पैरों की उस शोर से उसे अंदाजा लगा कि आज कोई बड़ी भीड़ जा रही है। तो जब यीशु मसीह निकल गए, और काफी भीड़ भी वहां से निकल चुकी थी, यीशु आगे थे, भीड़ पीछे पीछे जा रही, जब भीड़ निकल गई तब जाके उस अंधे ने बुलाया, हे यीशु दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये क्या बात हो रही है कि जब प्रभु बिल्कुल क्लोज था, पास था, उसने नहीं पुकारा, उसने प्रार्थना नहीं की, उसने विनती नहीं की, लेकिन जब चला गया उसने तब विनती की, तब भी सुनी गई। हालेलुया। यहां मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपको पुकारने की जरूरत है मेरे जो, आपको उस प्रेयर की जरूरत है। कितनी भीड़ निकल गई थी, वही भीड़ जो डांट रही थी, वही भीड़ कहने लगी, अब तुझे वो पुकारता है, तुझे बुलाता है। क्यों बुलाया? क्या अंधे बर्तमाई के पास से प्रभु जब निकला उसने नहीं देखा? क्या प्रभु को नहीं पता था ये अंधा है? क्या जब उसने वहां भीख मांगी होगी, ऐसा कटोरा किया होगा, नहीं देखा? लेकिन नहीं, जब ने उस विषय के लिए बुलाया, पुकारा, तब प्रभु ने कहा, अब इसे भी बुला दो। हालेलुया। आज आपकी प्रार्थना का टाइम है, पहल मेरे बहन भाइयों आपकी है, आप प्रार्थना करें, तब यीशु मसीह कहेगा हाँ। पहले आप बुलाएं, फिर वो बुलाएगा आपको। हालेलुया।